जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वो जब चाहे अपराधी घटना को अंजाम दे दे रहे हैं। मंगलवार को अपराधियों ने 5 लीटर पेट्रोल की रेकी युवक की जान ले ली। घटना कटिया थाना के गौरा गांव के समीप की है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गुमटी में पेट्रोल डीजल की खुदरा दुकान चलाने वाले की युवक को 5 लीटर पेट्रोल के लिए गोली मार दी। इस हमले में दुकान संचालक बुरी तरह जख्मी होकर सड़क पर गिर गया। अत्यधिक खून बहने से युवक के इलाज के दौरान कटिया रेफरल अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटनास्थल यूपी की सीमा से सटा हुआ। मृतक का नाम मंटू यादव है, वो कटिया के न्यूरी निवासी राजदेव यादव का पुत्र था। मिली जानकारी के मुताबिक मंटू यादव सड़क के किनारे गुमटी चलाता था, वो खुदरा पेट्रोल की बिक्री करता था। बताया जाता है कि सोमवार को एक अपाची बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी दुकान पर पहुंचे और पेट्रोल से भरी गैलन को लेकर भागने लगे। ये देखकर दुकानदार मंटू यादव ने अपनी बाइक से अपराधियों का पीछा किया। कुछ किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार संचालक को गोली सीने में मार दी। गोली लगने से दुकानदार घायल होकर वहीं बाइक से जमीन पर गिर गया। इसके बाद घायल दुकानदार को ग्रामीणों के सहयोग से कटिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने मरीज को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में एसपी आनंद कुमार ने कहा कि हथुआ एसडीपीओ और कटिया की पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी पकड़ियार होते हुए यूपी के फाजिलनगर की तरफ भागे।